आप सिर्फ और सिर्फ वहाब साहब की वाइफ है और कुछ भी नहीं। वो आपा ने कहा था खाना लगाने के लिए, तो अम्मी को मैं बता दूंगा। आप वही करें जो करती आ रही हैं, अच्छी होने की एक्टिंग। मेरी बात कान खोल के सुन ले आप, अम्मी और वहाब साहब को बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं। आप एक सेकेंड, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी मामा के साथ बदतमीजी करने की? बस आपकी कमी थी। I wish कि थोड़ी सी तमीज सीख ली होती आपने कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। चुप कर जाओ ना, रहने तो कुछ नहीं कहा आपसे। क्यों चुप कर जाऊं मामा, ये यहाँ खड़े हुए आपसे बदतमीजी करते रहे और मैं यहाँ चुपचाप तमाशा देखती रहूं, जान ना निकाल लूं इनकी। इन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि इस घर में आप अकेली नहीं है। तो आप मेरी जान लेंगी मेरे घर में खड़े होके मुझे ये धमकी दे रही है? जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धमकी नहीं वार्न कर रही हूँ मैं आपको, और इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझिएगा। इसे बहुत ही अच्छा होगा, जुनैशा ने आपके साथ मंगनी तोड़कर बहुत ही अच्छा किया, आपके साथ होना ही ये चाहिए था, आप इसी लाए। बकवास बंद करो, औकात मेरे अपनी औकात आप मुझे बताएंगे मेरी औकात? चुप करो, जिसे कुछ बात करने की तमीज नहीं है पता ही नहीं बड़ों से बात कर जाओ। किसी पिंजरे में बंद करें, इंसानों के साथ रहने वाली मखलूक नहीं है कि अपने बारे में बात करें शायद आप। बस कर दो, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं, आप मुझे क्यों लेकर आ रही हैं वहां से? अभी तक उनका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। क्या हो गया, इतना तो तुमने उसको सुना दिया है, पता नहीं क्या क्या कह गई हो तुम। मैंने कुछ नहीं कहा हूं। वो क्यों आपसे बदतमीजी कर रहा था, और आपका क्या ख्याल है वो आपसे बदतमीजी करता रहता और मैं उनकी बांदी बन के हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी रहती चुपचाप? अरे छोड़ो ना, वो इमेच्योर है, जज्बाती है, ऐसे ही बोलता रहता है। कितना कितना इमेच्योर है, इतना कि उसे छोटे बड़े का फर्क ही नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।